की जाती है पिजन होल थ्योरी की, तो मुझे याद आता है प्यार का पंचनामा 2 मूवी का वो एक सीन जहाँ पे कार्तिक आर्यन को एक्सप्लेन किए जाते हैं कुछ कलर्स उसकी गर्लफ्रेंड के थ्रू। पिंक 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 पिंक, नो मंजू कॉन्सेंट्रेट, सामिन पिंक, ओल्ड रोज पिंक, कार्नेशन पिंक, हॉट पिंक, मैजेंटा पिंक। देखा जाए तो इस सीन में कुछ गलत नहीं था। कार्तिक आर्यन ने एक कलर को एज अ होल प्रिडिक्ट किया और परसीव किया, लेकिन ऑन द अदर साइड एक्यूरेट होना भी कुछ गलत बात नहीं है। सो उसकी गर्लफ्रेंड ने सम ऑफ कलर्स को एक बताया, जैसे कि हॉट पिंक, बेबी पिंक एंड व्हाट नॉट। वैसे ही कुछ सीन था सामन और विनफील्ड के साथ। जब सामन और विनफील्ड ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी तो डिफरेंस था बस कुछ परसेप्शन का। तो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज इट लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स, तो आपका जवाब ये है कि दोनों ही सही है, बिकॉज इट्स जस्ट इन द गेम ऑफ परसेप्शन। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ लीगल हमिंग, और आज हम समझेंगे द डिफरेंस और मे बी द परसेप्शन फॉर द लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है एज पर द व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन पर्पसेस। ये बहुत बार जुडिशरी में पूछा जाता है कि इज इट लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स। वेल, दोनों ही सही है। एज आई टोल्ड यू, विनफील्ड सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ टॉट, वेर एज सामन सपोर्टेड द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स। सामन ऑल्सो केम अप विद अ थ्योरी विच वॉज नोन एज द पिजन होल थ्योरी। सो विनफील्ड इन हिज थ्योरी सेड दैट फॉर एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देर इज नो जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज कैन बी ट्रीटेड एज अ टॉट। विनफील्ड ने इसको सपोर्ट करते हुए एक शानदार एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने बोला कि अगर मैं मेरे नेबर को हार्म करती हूँ तो मेरा नेबर मेरे अगेंस्ट एक सूट भी फाइल कर सकता है अंडर टॉर्ट्स, और वो सूट फाइल हो सकता है इन द नेम ऑफ बैटरी, असॉल्ट, डिसीट, स्लैंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मान लीजिए अगर उस टॉर्ट का कुछ नाम नहीं है या फिर उस हार्म का कुछ नाम नहीं है, तब भी वो मेरे अगेंस्ट एक सूट फाइल कर सकता है अंडर टॉर्ट्स, और अगर मैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाई देन आई वुड बी लाइबल। तो हाँ, वो कार्तिक आर्यन की तरह यही बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप एक स्पीशीज को नाम दो, जैसे कि हॉट पिंक और बेबी पिंक और इन दिस केस बैटरी, असॉल्ट, डिसीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप सिंपली उसे होल इन वन बोल सकते हैं, टॉट। तो बस इतनी थ्योरी थी विनफील्ड की। ही सिंपली सेड दैट इट इज नॉट लॉ ऑफ टॉट्स, इट इज सिंपली लॉ ऑफ टॉट। नाउ कमिंग टू द सामन। सामन कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड से कम नहीं था। वो बिलीव करता था बिल्कुल स्पेसिफिक होने में। सो ही गेव अप अ थ्योरी विच वॉज नोन एज पिजन होल थ्योरी। वेल, इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू कीप पिजन्स एज देयर पेट, एंड फॉर दैट दे यूज टू मेक डिफरेंट कंपार्टमेंट्स और होल्स इन द वॉल ऑफ देयर बिल्डिंग सो दैट पिजन्स कुड इजिली बिल्ड देयर नेस्ट देयर। वेल, सामन के अकॉर्डिंग देर आर सम सर्टेन होल्स जिनका नाम फिक्स है। विनफील्ड के केस में ऐसा कुछ था नहीं। ही सेड कि सब मिलके ना एक ही चीज है, लेकिन सामन ने इन सब पिजन होल्स का एक एक नाम दे दिया था। फॉर एग्जाम्पल, एक होल का नाम है बैटरी, दूसरे होल का नाम है असॉल्ट, एक का नाम है डिसीट, एक का नाम है स्लैंडर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सामन ये बोल रहा है कि इन सब होल को अगर हम फिक्स कर दें, मान लीजिए अगर किसी ने कुछ हार्म किया है और वो हार्म है डिसीट का, तो वो उस होल में फिट हो जाना चाहिए विच इज डेडिकेटेड एज डिसीट। सो अगर कोई टॉट एक्स्ट्रा नहीं है और उस नाम का कहीं होल नहीं है, तो बेसिकली वो टॉट है ही नहीं। सो अकॉर्डिंग टू हिम, इफ देर आर fixed holes of the particular tot and if that harm fits into that hole, then there is the commitment of tot or else no commitment of tot. Well, Salmon or Winfield ke alawa ek aur person the, Dr. James, who believed in the concept of ageism generis. उन्होंने कहा कि देखो सामन, तुम सही हो,
हाँ, एक पर्टिकुलर अलॉटमेंट दिया जा सकता है सभी टॉट का, लेकिन एक कोर्ट का डिस्क्रिशन होना चाहिए कि और होल्स ऐड होते हैं या नहीं। सो ये नहीं बोला जा सकता कि अगर एक स्पेसिफिक होल नहीं है तो वो टॉट है ही नहीं। इट शुड बी ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट टू फाइंड और मेक दैट एक्स्ट्रा होल। डॉक्टर जेंग्स की थ्योरी यहीं पे एंड हो गई थी। तो बेसिकली अगर हम सब इन सब को होल अप कर ले या फिर सम अप कर ले तो वी सी दैट इट इज ऑल इन द गेम ऑफ परसेप्शन। चाहे विनफील्ड हो या सामंड हो, दोनों की थ्योरी बिल्कुल सही है, लेकिन दे वन सेड दैट एक पर्टिकुलर चीज ही होना चाहिए एंड दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं, इट इज अ वेराइटी इन होल। Well guys, if you like the way I taught you this theory and this topic, then please do not forget to give this video a big thumbs up and also subscribe to my channel. I'll meet you in the next video. This is me, Deshna Jain, signing off now. Bye! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.